मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नया टॉपिक लाया हूँ। आज का टॉपिक है यानी कि कैंसर। आज जो है हम लोग कैंसर के बारे में जानेंगे, कैंसर क्या होती है और कैंसर से मैंने कैसे मैंने कैंसर होती है और होती क्या है कैंसर। तो आज का टॉपिक है कैंसर, यानी कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कैंसर होती क्या है। तो कैंसर एक डिजीज है। क्या है? एक डिजीज है यानी कि बीमारी है, ठीक है। कैंसर क्या है? कैंसर जो है क्या है? डिजीज है। कैंसर क्या है? डिजीज है। तो कैसा डिजीज है, ठीक है। कैंसर जो है क्या है? डिजीज है। तो कैसा डिजीज है, ठीक है, माने कैंसर होती क्या है, ठीक है। ये तो कैंसर हो गया, लेकिन कैंसर होती क्या है? तो कैंसर जब कहने का मतलब है, कैंसर जब सेल्स जो होता है, सेल्स बोले तो कोशिका, सेल्स बोले तो कोशिका, ठीक है, सेल्स बोले तो क्या होता है? कोशिका। तो कोशिका जो होता है अनलिमिटेड रूप से, ठीक है, सुगर समझ में आ रहा है ना रे? यस सर, ठीक है ना। तो क्या होता है? अनलिमिटेड रूप से, ठीक है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रूप से क्या हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? डिवीजन, डिवीजन और प्लस क्या हो जाता है? डिवीजन एंड ग्रोथ कर जाता है। डिवीजन और क्या कर जाता है? एंड ग्रोथ कर जाता है, ग्रोथ कर जाता है। सेल्स जो होती है, ठीक है, बुआ सुग्गा दिख रहा है ना रे? यस सर, समझ आ रहा है ना? हाँ। तो एक सेल्स जो होता है जिसको हम कोशिका कहते हैं, वो अनलिमिटेड रूप से क्या हो जाता है? उसमें डिवीजन हो जाती है और ग्रोथ कर जाती है। तो क्या चीज का निर्माण होता है? तो निर्माण जो होता है, क्या चीज का निर्माण होता है रे? कैंसर का नहीं, ट्यूमर होता है। एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप ले लेता है? ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर का रूप ले लेता है। और इस ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। इस ट्यूमर को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो कोशिका होती है, यानी कि कैंसर क्या है? डिजीज है, ठीक बा? Yes, कैंसर क्या है? एक डिजीज है। कैंसर क्या है? एक डिजीज है, यानी कि रोग है, ठीक है। रोग है। तो जब सेल्स जो होती है, यानी कोशिका जो होती है, कोशिका में क्या होती है? अनलिमिटेड रूप से, अनियमित रूप से क्या हो जाती है? कोशिका में विभाजन हो जाती है, कोशिका में विभाजन हो जाती है और कोशिका जो होती है ग्रोथ करने लगती है। तो ट्यूमर का निर्माण होता है और वो ट्यूमर जो होती है कैंसर कहलाती है। तो ट्यूमर ही कैंसर है। तो यानी कि जो कोशिका होती है, इसमें हम लिख सकते हैं कि जब कोशिका जो होती है उसमें अनियमित रूप से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, यानी विभाजन हो जाता है और ग्रोथ कर जाती है। तो उस ट्यूमर का निर्माण होता है और उस ट्यूमरवा को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। कैंसर कहते हैं इसको, ठीक है, ट्यूमर को। तो कैंसर जो, यानी कि ट्यूमर जो होता है, दो प्रकार के होता है। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ, यानी कि ट्यूमर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। पहला हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन, ठीक बा? यस सर, ठीक बा नू? हाँ, ठीक है। तो बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। और दूसरा को हम बोल सकते हैं क्या? मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्या बोल सकते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। यानी कि ट्यूमर जो होती है कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। ट्यूमर वा जो होती है क्या प्रकार के? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, आया समझ में? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। पहला बोल सकते हैं बेनाइन ट्यूमर, दूसरा बोल सकते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो कैंसर जो होता है, यानी कि ट्यूमर ही है। कैंसर क्या है? ट्यूमर है। और ट्यूमर होता है दो प्रकार का। पहला का नाम क्या है? तो पहला के नाम है बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा के की नाम है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो ये जो होती है, ये जब कोशिका जो होती है, यानी कोशिका में विभाजन हो जाता है और वृद्धि करने लगता है, तो ट्यूमर का रूप लेता है और ट्यूमर ही कैंसर कहलाता है। तो कैंसर कहलाता है। तो दो प्रकार का ट्यूमर हो गया। एक जो पहला जो ट्यूमर होता है बेनाइन ट्यूमर, उस वो जो होता है, वो ट्यूमर जो होता है अपने ही स्थान पर क्या होता है, माने अपने ही स्थान पर प्रेजेंट होते हैं और ज्यादा अनलिमिटेड रूप से वृद्धि नहीं कर पाते हैं और उसमें विभाजन नहीं हो पाती है। तो इसको हम मनसा कह सकते हैं, मस्सा जो हमको कह सकते हैं, माने ट्यूमर है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, घातक नहीं है। लेकिन ए वाला जो हो जाता है दूसरा का मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसमें अनियमित रूप से वृद्धि हो जाती है और इसमें ग्रोथ करने लगता है। तो चेकअप, जब कैंसर का जब चेकअप होता है, तो चेकअप करवाइएगा ना, तो दो तरह का रिपोर्ट आता है।
यानी कि अगर ए वाला है ना तो नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए वाला जब हो जाता है तो घातक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, ठीक है। ए वाला में क्या होता है, ए जो होता है ए जनरली नॉर्मल होता है, यानी कि ट्यूमर है, मस्सा है। लेकिन ए वाला जो हो जाता है ये घातक खतरनाक है, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है, इसकी कोशिका जो हो जाती है अनियमित रूप से, अनलिमिटेड रूप से वृद्धि कर जाती है और ग्रोथ कर जाती है, जो घातक होती है, ठीक है। तो हम क्या होता है कि कैंसर एक डिजीज है, और इस डिजीज में क्या होता है, सेल्स जो होता है, कोशिका जो होता है, की होता है कोशिका में, अनलिमिटेड रूप से डिविजन और ग्रोथ कर जाता है। तो क्या चीज का निर्माण होता है, कैंसर का, ट्यूमर का निर्माण होता है, और ट्यूमर को ही हम लोग कैंसर कहते हैं। कैंसर जो होता है दो प्रकार के होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर। तो कौन कौन है, तो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो ये आप लोग बढ़िया से क्या कीजिए, इसका बढ़िया से स्टडी कीजिए और बढ़िया से याद कीजिए, चूंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।